एमपी में बेरोजगारी को लेकर खूब सियासत हो रही है। राज्य के बेरोजगार सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर एमपी के बेरोजगार रोजगार को लेकर ट्रेंड चला रहे हैं। ऐसे में सीएम शिवराज ने युवाओं की नाराजगी को भांप लिया है। सीएम शिवराज ने एक साल में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान तो 15 अगस्त को ही कर दिया था। अब सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि हर महीने 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत है तो ये नेतृत्व आपका साथ देने के लिए बैठा है। और भी जरूरत हो तो चिंता मत करना, मामा भी है। मिलजुल के हम साथ बढ़ेंगे। केवल गरीबी में पैदा होने के लिए नहीं है, हम रास्ता निकाल के आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए आज जिन बहनों और भाइयों को, बेटा बेटियों को अलग अलग योजनाओं का ऋण स्वीकृत हुआ है, मैं उन सबको बधाई देता हूं। उनका काम धंधा बढ़िया चले, मेरी शुभकामनाएं। अगले महीने फिर रोजगार दिवस मनाएंगे और फिर 2.5 लाख लोगों को आजीविका से और रोजगारों को रोजगार से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में आयोजित रोजगार दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने ये ऐलान भी किया है कि अगले साल जनवरी में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन करने का ऐलान भी किया, ताकि इससे राज्य में निवेश आए और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों। मुझे किसी भी बेटा बेटी को मध्य प्रदेश की धरती पर निराश होने की जरूरत नहीं है। हम शिक्षा भी देंगे और रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। एक्सपोर्ट का हब भी हम मध्य प्रदेश को बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में प्राप्त है। अब रोजगार की दृष्टि से इंदौर में 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 7, 8, 9 जनवरी को इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा। पूरी दुनिया से आएंगे लोग, उसमें निवेश की बात भी होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना की है कि वो उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें और उसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम करेंगे लगे लगाए उसके तत्काल बाद। तो चारों दिशाओं में हमारे प्रयास चल रहे हैं। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम होने वाला है। ऐसे में सीएम शिवराज रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की कवायद में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है युवा ही राज्य में सत्ता की कुंजी साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।